फ्रेंड्स, आज मैं आपको आटा लगाना बता रही हूँ। आटा कैसे लगाएं जिससे कि हाथ हमारे खराब भी ना हो। मैंने ये लिया है 2 कटोरी आटा, तो हाथ खराब ना हो उसके लिए हमें थोड़ा ऊंचा बर्तन लेना पड़ेगा, जिससे कि इतना गहरा हो कि आटा इससे बाहर भी ना फैले। ज़्यादा आटा है तो आप उसके लिए बड़ा बर्तन ले सकते हैं, अगर आपका आटा कम है तो आप इतना बड़ा या आप इसमें भी आटा लगा सकते हैं, बट मैं आज आटा इसमें लगा रही हूँ। ये 2 कटोरी आटा है, जितना आटा लिया है हमने उससे हम आधा पानी लेंगे। मोस्टली आटे आधे पानी में ही काम हो जाता है, लेकिन कभी कभी आटे पर डिपेंड करता है कि आपको कितना पानी लेना है, बट आधा जितना आटा है उसका आधा पानी सफिशियंट रहता है। आटे में पानी हम बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जिससे कि आटा हमारा ठीक से लग जाए। और इसको हम ऐसे ऐसे करके बस गोल गोल घुमा घुमा के इसको लगाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और चारों तरफ से इसको इकट्ठा करते हुए। ऐसे करके अगर हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो आटा हमारा पतला होने का डर रहेगा, क्योंकि आटा हमें लगा के अभी रखना है 10 मिनट के लिए। देखिए सारा आटा इकट्ठा हो गया। मुझे लग रहा है इसमें शायद मेरे को थोड़ा सा पानी और डालना पड़ेगा। बस थोड़ा सा, 2 बूंद आधा चम्मच करीब पानी मैंने इसमें और डाला है। अब हम इसमें 2 ड्रॉप घी डालेंगे। आप ऑयल या घी कुछ भी डाल सकते हैं, बट मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए पूरा आटा इकट्ठा हो गया। देखो फ्रेंड्स, आटा लग चुका है मेरा। और मेरे वीडियो को आप एंड तक देखिए, क्योंकि मैं कुछ इसमें टिप और टिप बताऊंगी जिससे कि आपका आटा सॉफ्ट रहे और खराब भी ना हो। ये हमने इसमें रख लिया। हाथ से थोड़ी सी हमने चिकनाई लगाई, थोड़ा तो हाथ लगाना पड़ेगा आपको ऐसे। बस आटा लग गया आपका। और एक बॉक्स में रख लिया। ये एक टिप है कि आप इसमें ऑयल लगा के और इसके अंदर आटे को ऐसे रखेंगे, और आटे के ऊपर भी अगर आप ऑयल लगाएंगे तो कभी आटा आपका ना तो पकड़ाएगा और ना कभी काला पड़ेगा। और 10 मिनट इसको ऐसे ही बंद करके रख दीजिए। अब 10 मिनट बाद हम आपको निकाल के दिखाएंगे कि आटा हमारा कितना अच्छे से हो गया है। अब 10 मिनट हो चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ आटा खोल के। देखो कितना अच्छा और सॉफ्ट आटा हो गया है। बस इसको हमें थोड़ा सा ऐसे मसलना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं आपके जो भी अपने वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। देखिए आप अच्छा आटा हो गया। बस आप ऐसे बस पूरी पराठा जो भी बनाना हो बड़े आराम से आप बना सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा आटा लगा है। बस इसको रखिए आप फ्रिज में और जब मन करे जब आप बनाइए।